2022 के एंड तक एनर्जी ड्रिंक का मार्केट वैल्यू कम से कम 90 बिलियन डॉलर्स होगी, यानी 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा, और इस मार्केट के टॉप में बैठा होगा रेडबुल। बात करें अगर 2021 की, तो रेडबुल ने अकेले 9.8 बिलियन कैन बेच दिए, और वो भी 172 देशों में। मतलब जितने दुनिया में लोग नहीं है, उससे ज्यादा तो रेडबुल ने अपने कैन बेच दिए। इन बड़े बड़े नंबर्स के पीछे एक बहुत ही हम्बल और छोटी सी कहानी छिपी हुई है, और ये कहानी है चेलियो योविद्या की। चेलियो योविद्या थाईलैंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, और उनके माँ बाप डक का बिजनेस करते थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई करा सके। ऐसे में चेलियो का बचपन एक फार्म में काम करते बीत गया। चेलियो के बड़े भाई फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, जहाँ बाद में चेलियो ने भी सेम काम शुरू कर दिया। उन्होंने खूब मेहनत करी और पैसे इकट्ठे करके टीसी फार्मास्यूटिकल के नाम से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जहाँ उनका मेन काम था बाहर से एंटीबायोटिक इम्पोर्ट कराना और उसे सेल करना। इस दौरान जापान के फार्मा इंडस्ट्री में थोड़ी हलचल सी हो गई, क्योंकि कंपनीज ने एक टाइप का हर्बल सिरप बनाना शुरू कर दिया था, जिसे एनर्जाइजिंग टॉनिक बोलकर बेचा जा रहा था। ये टॉनिक बहुत ही बड़े हिट थे, जो कुछ ही दिनों में थाईलैंड में भी बिकने लगा। एट दिस टाइम चेलियो की टीसी फार्मास्यूटिकल चलाते हुए 10 साल बीत चुके थे। उन्हें मार्केट में मौजूद एनर्जाइजिंग टॉनिक से एक बहुत ही बड़ी शिकायत थी, और वो ये थी कि टॉनिक बहुत ही महंगी होती थी, जिसकी वजह से बस अमीर लोग ही उसे अफोर्ड कर सकते थे। वहीं चेलियो खुद एक ब्लू कलर वर्कर हुआ करते थे, जिससे वो समझ गए इन टॉनिक्स की सबसे ज्यादा जरूरत वर्किंग क्लास को है, जैसे फार्मर और कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए। बाकी कंपनीज के फॉर्मूला को देखकर चेलियो ने खुद का अपना एक टॉनिक बनाया, जिसका मेन इंग्रेडिएंट था कैफीन, विटामिन बी, टॉरिंट केमिकल, और वो चीज चेलियो के ड्रिंक को बाकियों से अलग बनाया, मतलब शुगर। शुगर की वजह से इस ड्रिंक का टेस्ट बाकियों से ज्यादा अच्छा हो गया, जहां उन्होंने अपना ड्रिंक्स का नाम रखा क्रिएटिन डेंग, जहां डेंग का मतलब होता है रेड और क्रिएटिन का मतलब होता है गौर, जो दुनिया की सबसे बड़ी कैटल स्पीसीज है। चेलियो ने अपना ड्रिंक्स को गौर से एसोसिएट किया था, क्योंकि वो अपने ब्रांड को स्ट्रेंथ और पावर वाली इमेज देना चाहता था, जहां उनका ये सपना सच भी हुआ। क्रिएटिन डेंग शुरुआत के समय में उतनी बिक नहीं पा रही थी, क्योंकि साउथ कोरिया और जापान के ड्रिंक्स ऑलरेडी मार्केट को डोमिनेट कर रही थी। लेकिन अपने बचपन को ध्यान में रखते हुए चेलियो ने डिसाइड किया कि वो बाकी ब्रांड्स की तरह बड़े बड़े सिटीज को टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि गांव वाले इलाकों पर ही फोकस करेंगे। उन्होंने अपना बिजनेस को हेड स्टार्ट देने के लिए ट्रक ड्राइवर्स को फ्री सैंपल दिए, जहां इस मूव के बाद क्रिएटिन डेंग ऑर्गेनिकली ग्रो करने लगा, मतलब इसको मार्केटिंग पर ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, और जल्द ही ये ड्रिंक्स वर्किंग क्लास में फेमस हो गया। फिर एंट्री होती है डेटरीज की, जो कि एक कंपनी के इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर थे। वो एक बिजनेस ट्रिप में थाईलैंड आए हुए थे। उनको एक लंबी फ्लाइट के बाद एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी। वो एक लोकल स्टोर में घुसे और अपनी सिचुएशन दुकानदार को एक्सप्लेन करी। उस दुकानदार ने बिना सोचे उन्हें क्रिएटिन डेंग पकड़ा दी। उसे पीते ही उनकी थकान एक सेकंड में गायब हो गई, और वो अब इस ड्रिंक के फैन हो गए थे, और वो उसे डेली कंज्यूम करने लगे, और वो अपने जॉब को रिजाइन करके बिजनेस डील लेकर पहुंच गए चेलियो के पास, क्योंकि वो चाहते थे कि ये ड्रिंक्स इंटरनेशनल लेवल पर बिके और वो इसका हिस्सा बन सके। उस ड्रिंक का नाम रेडबुल में बदल दिया, क्योंकि बुल को याद रखना गौर से ज्यादा आसान था। और 1 अप्रैल 1987 में रेडबुल की शुरुआत होती है, और आज की डेट पर रेडबुल सभी एनर्जी ड्रिंक का किंग बन चुका है।